हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज, आज का मेरा ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर के 1 बजे से। मैं अभी ये शुरू कर रही हूँ व्लॉग, क्योंकि आज मुझे जाना है एक लगन के फंक्शन में। मतलब मैं भी जा रही हूँ, बबली रीशु उसके पापा। तो बस सुबह से जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में लगे थे, तो सुबह से मैं स्टार्ट नहीं कर पाई, इसलिए अभी स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं ये वाला सूट अपना पहन के जा रही हूँ। अभी मैं होंगी रेडी, रेडी होने के बाद फिर आपको दिखाऊंगी कैसा लुक है मेरा। सिंपल ही करूंगी मेकअप, वैसे मुझे ज़्यादा आता नहीं है, थोड़ा बहुत आता है, वही सिंपल ही करूंगी। तो चलिए, आप भी मेरे साथ मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। मम्मा भी हो रही है रेडी। बेटा आप भी हो जाओ जल्दी, लेट हो रहे हैं फिर हम। मेरे का देखो मैं कैसे हूँ। हो रहा हूँ। क्या डालना है? कोट पैंट डालू? हाँ नहा रही है वो। कोट पैंट डालू? मम्मा बस 5-10 मिनट में रेडी है, जल्दी से हो जाओ। बबली तो पूछ ले कौन से कोट को कह रही है। ब्लू कलर वाला जो है। ब्लू कह रही है? हाँ जी। ग्रे है वो? हाँ हाँ ग्रे ब्लू, पर ब्लू टाइप लगता है वो। कोई ना पहन ले। मैं पहनूंगा टी शर्ट। शर्ट कैसी पहन रही है? व्हाइट। हाँ। देखता हूँ, पूछता हूँ। तो देखिए गाइज, मैं हो चुकी हूँ रेडी और ये है मेरा फाइनल लुक। कमेंट में जरूर बताना कैसी लग रही हूँ। और अभी हम निकलते हैं, लेट भी हो गए हैं क्योंकि हमको जाना बहुत दूर है। तो बस अब निकल रहे हैं घर से। बबली चल, चलिए आप लोग भी हमारे साथ। तो गाइज हम निकल चुके हैं, थोड़ी दूर पहुंच चुके हैं। वैसे तो हम लेट हो गए ज़्यादा घर से ही। अब देखो कब तक पहुंचते हैं, रास्ते में 3 से 4 घंटे लगेंगे हमको और 3 यहीं बज रहे हैं। फिर जब क्यों देखी घड़ी भूल गई, तो अब कहाँ कर, भूल गई तो भूल गई। पापा भी भूल गए तो फिर भी तो दी पापा भी। तो देखिए गाइस, अभी हम जा रहे हैं। हमने पहले रास्ते से भाभी को लिया था, वो भी हमारे साथ ही गई हैं, रास्ते में ही पड़ रहा था। और आगे से हम अपनी बहन को लेंगे, छोटी को। तो गाइस अभी तो बस भाभी को तो ले लिया है, अब बहन के पास पहुंचने वाले हैं। वो रोड पे ही मिल जाएगी हमें, फिर उसको भी लेके साथ में, फिर साथ में जाएंगे सारे। ये खड़ी ये देखो इधर देख लो। वो कितने दूर रास्ता पापा, मुश्किल है बैठना। डेढ़ घंटा तो हम बोलेंगे पापा। धूल मिट्टी भर दिया गाड़ी में। अरे बेल्ट बुन के पूरी गाड़ी लोड है। हम गाड़ी में तो 2 बालक और है, और कौन 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 है? ही बस एक तो मैं 2 दिख रहे। तो देखिए गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पे हमें जाना था। और रास्ते में हमको लग गए थे 3.5 घंटे। हम घर से 3 बजे निकले थे और यहां पे पहुंचे हम 6:30-7 बजे पहुंचे थे। इतना लेट हो गए थे हम घर से ही, लेकिन दूर बहुत था। हम गए थे यूपी बुलावठी, बहुत दूर है हमारे यहां से। तो देखिए गाइज, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं गाड़ी में से सामान जो वहाँ गिफ्ट वगैरह करने के लिए लेके गए थे वो सब। तो वो सोनम बोल रही है ये मेरा है, कोई बोल रहा है वो मेरा है,
और फिर इस वजह से लगा इनकी लड़ाई हो रही है। और यहाँ पे मुझे लगता है जो मेरा व्लॉग है मुझे वॉइस ओवर करके ही डालना पड़ेगा, क्योंकि अंदर डीजे चला हुआ था बहुत ज़्यादा, उस पर गाने चल रहे थे, तो साउंड होने की वजह से फिर कॉपीराइट आ जाता है, तो इसलिए मुझे आज वॉइस ओवर करनी पड़ेगी थोड़े व्लॉग में। तो देखिए गाइज, ये है वो जगह, मतलब होटल समझ लो या फिर वो भी जहाँ पे शादी वादी के प्रोग्राम होते हैं, वो काफ़ी अच्छा था। उन्होंने मतलब गांव के अंदर नहीं किया था, बाहर ही किया हुआ था। तो हम अभी यहाँ पहुँच गए हैं और अभी हम यहाँ ढूंढ रहे हैं कि भाभी कहाँ है, किधर है, कहाँ मिलेगी। और अभी यहाँ चल गया है हमारा खाना। तो गाइज़ अभी हम यहाँ पे आ गए हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि हम पहुँचे बहुत लेट थे, तो उस टाइम नाश्ता वगैरह तो सब हो गया था, लास्ट खाना ही चल रहा था। तो देखिए गाइज़, खाना वाना खाने के बाद हम यहाँ आ गए हैं डांस करने। यहाँ चल रहा था डीजे, तो यहाँ सब लोग आके डांस करने लगे। फिर तो गाइज़ यहाँ पे सब लोगों का चल रहा था डांस। ये बॉयज़ लोग थे, इन्होंने थोड़ी बहुत ड्रिंक वगैरह कर रखी थी, तो बस यहाँ डांस वगैरह यही सब चल रहा है। तो देखिए गाइस, ये था हमारा प्रोग्राम यहाँ पे। अब यहाँ से बस निकल रहे हैं हम वापस घर के लिए, क्योंकि यहीं पे 9 बज चुके थे, रात हो चुकी थी। तो देखिए गाइस, हम लोग आ चुके हैं घर और अभी बज चुके हैं रात के 11। तो अभी मिलते हैं आपसे, मैं अभी पहले चेंज वेंज कर लेती हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों से बहुत अजीब लग रहा है, बहुत वो हो रहा है, अजीब सा फील, तो उसके बाद मिलते हैं। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग और ये है सुबह सुबह का व्यू। अभी टाइम हो रखा है सुबह के 7:30, तो 7:30 बजे का व्यू है। अभी हम सो के उठ चुके हैं और एक बार हमने चाय पी ली है। अभी हम बच्चों का लंच बनाएंगे और बच्चों को स्कूल भेजेंगे, रेडी हो रहे हैं बच्चे अब। तो देखिए गाइस, बच्चे हमारे जा चुके हैं स्कूल और अभी हम पियेंगे चाय। और आज दोबारा से ठंड हो गई है, नहीं कई दिनों से बहुत गर्मी सी हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे ठंड बिल्कुल चली गई है, बट आज फिर से ठंड हो गई है, बहुत ठंडी हवा चल रही है, शायद बारिश भी हुई है कहीं। तो गाइज़, हमारी चल रही है चाय, आ जाओ आप लोग भी पी लो। मम्मी ने तो ख़त्म भी कर दी थी, है हाँ हाँ, वैसे बता दे इतनी मोटी हो रही है, इतनी हो रही है। अब बेर बेर दिए जा रही है, आधो खा ले कुछ ना हो। मम्मी का दो घूटन में पी के चाय है घर खत्म, और चाहिए? और सुबह तक दूसरी चाय है यो। और अभी तो क्या बजे है, 8:30। अभी तो पता ना सोन तक कितनी चलेगी, आज ठंड होगी दोबारा। कपड़ा सही रहे। हाँ, आज कपड़ा क्यों और कपड़ा ना कभी कल कल धो जाएंगे पहरे थे ना आप तक। हाँ है? फिर भी पसीने की बासी अलग है। और गर्मी में रोज नहाएंगे, मर जाएगी गर्मी में, रोज नहाएगी। हुआ वैसे एक दिन भी गया पता हो गया हम करते ही। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे।
तो गाइज अब हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग और अभी मैं नहा के आई हूँ। मॉर्निंग में के 10:30 बज रहे हैं, नहा के आई हूँ। रात फिर उसके बाद मैंने आगे व्लॉग बनाया ही नहीं, बनाती भी क्या। रात को 11:30 के आसपास टाइम हो रहा था तो वहाँ से आए, बस चेंज किया और फेस वॉश किया और बस ऐसे ही सो गए क्योंकि थक गए थे बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा ये व्लॉग को कंटिन्यू कर लेती हूँ, तो रात तो हो नहीं पाया था। तो अभी मैं नहा चुकी हूँ, हेड वॉश भी हो गया, तो देखिए अब क्या करते आगे। तो देखिए गाइज हमारे बने हैं खाने में चाय और पकौड़े, पनीर के, प्याज के, गोभी के, क्योंकि बबली को खाने थे पकौड़े आज, पर मैं खाऊंगी चाय से। मैं चाय से ना खाऊं, मुझे चाय से अच्छे ना लगते चश्मे, मुझे क्या पता, मम्मी से पूछ कहाँ रखे। तो इन्होंने तो खा लिया, ये तो खा पी का फिट है, मैंने बनाए तो मैं अब खाऊंगी, मैं लेट होगी, पर मैं चाय तो खाऊंगी, चाय तो ना खाऊं, इन्होंने चाय से खाई सब ने। तो खा लेते हैं हम अपने पकौड़े। तो देखिए गाइस नहाने के बाद और खाना खाने के बाद मैं गई थी सो, क्योंकि रात को वहाँ से आके बहुत लेट हो गई थी सोने में, मुझे आ रही थी नींद, सर में दर्द था और अभी भी नींद तो बहुत तेज आ रही है। अभी मुझे बबली ने उठाया है क्योंकि शाम के बज रहे 4 और उसने चाय बना दी है बबली ने, तो बोल रही है चाय पी ले अब उठ जा। तो मैं चाय पी रही हूँ और तो चलिए गाइस इसी के साथ मैं करते हैं इस व्लॉग का एंड और अभी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी। तो तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें।